नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया से हों। दोस्तों, ये है होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेनियम। दोस्तों, सेलेनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नाइटफॉल के लिए। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि अगर आपको नाइटफॉल की समस्या होती है तो कैसे आप यूज़ करें सेलेनियम और कैसे आपकी प्रॉब्लम ये ठीक करेगी। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइटफॉल की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, ये समस्या बहुत आम है। दोस्तों, नाइटफॉल पे मेरा पूरा एक वीडियो है और ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आज की जो मेडिसिन है सेलेनियम, जो कि मेरे हाथ पे है, ये सेलेनियम और आपको दिख रही है, सेलेनियम मेडिसिन नाइटफॉल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसे कैसे यूज़ करना चाहिए और ये करती क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये करती क्या है। तो जब आप इसके लक्षण पढ़ते हैं तो लक्षणों में सबसे पहला लक्षण ये होता है कि अगर आप बहुत सारे सपने देखते हैं और सपने आप देखते हैं और उसके कारण आपको बार बार नाइटफॉल की समस्या होती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए। और साथ ही साथ अगर ये समस्या होने के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको हो गई है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए। तो एक तो नाइटफॉल की समस्या, ऊपर से वीकनेस की समस्या नाइटफॉल के कारण, और ऊपर से आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं और उसके कारण आपको जो नाइटफॉल की समस्या होती है, ये तीनों ही समस्या लगभग नाइटफॉल की समस्या जिनको होती है, ये तीनों ही सिम्टम्स होते हैं। और ये तीनों ही सिम्टम्स जो हैं वो सेलेनियम से कवर होते हैं। सेलेनियम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। अब आप इसे यूज़ कैसे करें? सेलेनियम आप 3x ट्राइचुरेशन टैबलेट में यूज़ करें। आपको पिक्चर दिखी रही है, देख लीजिए, और यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा तो देख लीजिएगा। सेलेनियम 3x ट्राइचुरेशन टैबलेट में डॉक्टर रेकवेक की ये मेडिसिन आती है, और लगभग दो गोली सुबह चूसें, दो गोली दोपहर में चूसें और दो गोली रात में शुरुआत में, और फिर आपकी जब प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो जाए लगभग मान लीजिए 15 दिन में, तो फिर आप एक एक गोली सुबह दोपहर शाम चूसें। चूसने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर पीजिएगा एक घुट, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ आप एक और मेडिसिन मेरी तरफ से नोट कर लीजिए और उसे भी ले लीजिएगा, और वो मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आप मदर टिंचर में यूज़ करिएगा और अच्छी कंपनी की यूज़ करिएगा। कई सारी कंपनियों की लाइकोपोडियम उतनी अच्छी नहीं आती, तो मैं आपको शॉबे रिकमेंड करता हूँ। आप शॉबे या डॉक्टर रेकवेक या SBLB, तो तीनों में से कोई भी मिल जाए लाइकोपोडियम मदर टिंचर, 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में दो बार सुबह शाम लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, ये दोनों ही मेडिसिन यूज़ करिए, सेलेनियम और लाइकोपोडियम, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइकोपोडियम के बारे में और जानना है तो मेरा नाइटफॉल पे जो पहला वाला वीडियो है वो देखिएगा, आपको अच्छे से मैंने उसमें लक्षण बताए हुए हैं। तो दोनों ही वीडियो देखेंगे तो बहुत ही आपको अच्छे समझ में आएगा, और सेलेनियम और लाइकोपोडियम यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि काफ़ी सारे पेशेंट्स आते रहते हैं, पता ही है कि बिल्कुल आम सी समस्या है, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स आते रहते हैं। तो पहले मैं मोस्टली लाइकोपोडियम देता था, कालीफॉस देता था, लेकिन मुझे कभी कभी रिजल्ट्स अच्छे मिलते थे, कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। लेकिन जब से मैंने सेलेनियम 3x कालीफॉस की जगह दिए तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले, और जब से मैंने डॉक्टर रेकवेक की सेलेनियम 3x दी है तो और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये समस्या ज़रूर ये मेडिसिन यूज़ करके देखें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये समस्या है तो इससे आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ये सबको होता है। तो जो आप किताबों में पढ़ते हैं या जो आप नेट पे पढ़ते हैं वैसा सच नहीं है। आप ज़्यादा टेंशन, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास बड़े प्यार से बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं नहीं यार इससे मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, बस अगर ज़्यादा हो तो आप मेडिसिन लीजिए, अगर एक दो बार होती है तो कोई उसमें आपको मेडिसिन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सेलेनियम और लाइकोपोडियम, मदर टिंचर में लाइकोपोडियम और सेलेनियम 3x, ये दो मेडिसिन यूज़ करिए नाइटफॉल के लिए, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। आज के लिए यही थी मेडिसिन नाइटफॉल की, और कल फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, और कल फिर एक वीडियो आप
ज़रूर देखिएगा। और उस वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आप ही का चैनल है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, और एक लाइक से बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है जितने लाइक बढ़ते हैं। तो मैं वैसे लाइक का कोई वो नहीं देता कि इतने लाइक हो जाए उतने लाइक हो जाए, लेकिन जितने भी हो जाए उतने अच्छे हैं। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा आपके दोस्तों को अगर ये समस्या है, हालांकि लोगों को पता नहीं होता किसको क्या समस्या है, लेकिन फिर भी आप शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपका मन हो तो। और बस मैसेज सेक्शन नीचे है, मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी समस्या है। और साथ ही साथ मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, kirtivikramsinghpariyar@gmail.com, वहाँ पर जाके आप कोई भी समस्या कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।